वेलकम गाइज, फोरम एमकेएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए फोरम एमकेएस चैनल को और पाइए कि किसके फोरम कब भरे जाएंगे। सो गाइज, फाइनली इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं नर्सिंग कोर्सेज के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात आपके लिए रहने वाली है, और चाहे तो आप इसे घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं आपके लैपटॉप अपने मोबाइल से। किस प्रकार से करना है वो तो हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, बट ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे तो समझो सिलेक्शन होने के बाद ही आपकी लाइफ सेटल है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 100% प्लेसमेंट होता है और यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। देश विदेशों में आपकी जान पहचान होती है, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री भी स्टूडेंट आते हैं। तो चलिए ये देखिए बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है वो भी हम आपको बताएंगे। वो थोड़ा सा अगर आप अबाव जाएंगे तो ये देखिए, नाम तो इसका जाना माना आपने अवश्य सुना होगा, बनारस हिंदुजा यूनिवर्सिटी BHU। अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लिंक एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ पर जाना है, कौन सी वेबसाइट पर विजिट करना है, और इस वीडियो में आपके सारे कमेंटों का जवाब आपको मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, सभी कमेंटों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो पहले फॉर्म की इंक्वायरी कर लेते हैं, उसके बाद आपके जितने भी कमेंट थे उनके जवाब हम देंगे। तो लाइक बनता है गाइस। तो चलिए कैसे अप्लाई करना है आपको BHU में नर्सिंग के लिए। सबसे पहले आ जाना है आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सी है, तो सबसे जानी मानी है NTA नीट लिख देना आपको मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, नीट के थ्रू ही आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। और फॉर्म कैसे भरना है चलिए मैं आपको दिखा देते। राष्ट्रीय सह प्रवेश परीक्षा UG, तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है NTA नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको ये दिख गया होगा फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, न्यू। तो इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले टैब पे। क्लिक होने के बाद कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखोगे ये है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। सबसे पहले तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा, इसके बाद आपको आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। ये चार स्टेप आपको करनी होगी और आपका फॉर्म हो गया अप्लाई। जी हाँ बिल्कुल। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर क्या नीट के थ्रू होगा क्या BHU में। जी हाँ बिल्कुल, फाइनली इन्होंने बोल भी दिया, नोटिफिकेशन ये देखो जारी हो चुका है कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन BS नर्सिंग कोर्स 2021 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदुजा यूनिवर्सिटी शुड अप्लाई थ्रू नीट, यानी कि नीट का फॉरम भरो और BHU में एडमिशन पाओ। और एक काफ़ी सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया है गाइस, ये देखिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नीट का ही फॉर्म आपको भरना होगा गाइस, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे अप्लाई हो रहे हैं फॉर्म। सो ऑल स्टेप आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है, 4 स्टेप में फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो यहाँ से आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपका क्या होगा, आगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आपको 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो 10वीं की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका फादर का नेम है, वो वैसा का वैसा आपको एग्जिट भरना होगा। और जितनी आपकी परसेंटेज थी, कितने नंबर आपने गेन किए, वो आपको भरने होंगे, ठीक है, ओके। अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि हम नहीं भर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक मित्र का सहारा ले सकते हो या फिर साइबर का भी सहारा ले सकते हो। इसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करने होंगे, इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा गाइस। पेमेंट कितना लगेगा वो तो आपको पहले हमने बता दिया कि अगर आप OBC जनरल में हो तो 1500 के ऑलमोस्ट लगेंगे, अगर आप SST में हो तो इसके आधे 750 के समथिंग लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। सो चलिए यहाँ से कर लेते हैं नया रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं किया तो नया ही करना होगा। अगर पहले कर रखा होता तो आप उसका जो ID यूज़र नेम था, पासवर्ड था, उसी से काम चलाते, बट बहुत सारे स्टूडेंट का बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो यहाँ से नया कर लेना, क्लिक कर दो इस पर। क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ से रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, इसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो भरना होगा, उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है।
बट उससे पहले इन्होंने बोला है कि ये जो हमारी शर्त है इसको डाउनलोड करके आप रीड कर लो, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके हम रीड कर लेंगे, यहाँ से रीड कर लेना, क्योंकि और ये पेमेंट इन्होंने पहले बता दिया, जनरल वालों का इतना, ओबीसी वालों का इतना, एसएससी वालों का इतना, ठीक है। यही लगता है ऑलमोस्ट आपके पेमेंट। ये सब पढ़ने के बाद ये सब टर्म एंड कंडीशंस आपको एक्सेप्ट करनी होगी गाइज। ये देखिए पासवर्ड सब आपको बनाना होगा और यहाँ पर आपको चिक मार करके इसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है, क्योंकि सारी शर्तें एक्सेप्ट होनी चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन आपका किस प्रकार से होगा, यहाँ से आपका अभ्यर्थी का नाम, फादर्स नेम हमने बोला था ना, मदर्स नेम जो भी आपकी मार्कशीट में दिया हुआ है, अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, आपका जेंडर, आपकी जो नेशनलिटी, आपकी पहचान, सब कुछ आपको भरना होगा गाइस, ये सब कुछ जो भी आपसे मांगा गया है, ठीक है। तो ये सब आपका स्थायी पता जो भी है आप फिलअप कर देना, ये सब होने के बाद सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये फॉर्म आपको भरना होगा इसी प्रकार, नाम, फादर्स नेम सब कुछ भर के, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे आपके, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड जो भी मांगा जाएगा वो अपलोड होगा, उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। सिंपली आप पेमेंट गूगल पे, फोन पे या फिर एटीएम किसी के थ्रू भी कर सकते हो और हो गया आपका फॉर्म अप्लाई, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर पूरा एक फुल डिटेल वीडियो बनाइए तो हम फुल डिटेल वीडियो भी बना देंगे। तो बीएचयू में फॉर्म स्टार्ट हो चुके, ये फॉर्म आपको भरना होगा। अब आपके कमेंटों के जवाब हम दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बिलीव नहीं हो रहा सर कि अभी नहीं आए फॉर्म बीएचयू के, अभी कहाँ आए, वेबसाइट पे देखोगे वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, ये नीट के थ्रू ही होगा। हम आपको और भी इंक्वायरी दे देते। ओके गाइज, अगर आप गूगल भी करोगे ना तो देख लो आपको ये मिलेगा। बीएचयू बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम प्रदान करता है, पाठ्यक्रम की अवधि 4 साल है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता ये है कि उम्मीदवार के पास नीट यूजी स्कोर होना चाहिए। देख लो गाइज, हमने बोला ना कि नीट के थ्रू ही होगा, 10+2 अनिवार्य है गाइस, इसमें बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, साइंस बायोलॉजी इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, ये देखिए तो यहाँ पर भी डिक्लेयर हो चुका है। तो चलिए आपका जवाब हम दे देते हैं। सो चलिए, बीएचयू में तो आप अप्लाई कर ही दोगे, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी जो है, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया तो लाइफ सेटल है, हमने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। चलिए अब आपकी बातें सुन लेते हैं, आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। अंकित जी का कमेंट है सर यूपी में कब आएंगे फॉरम, ठीक है। तो गाइज हमने आपको कल ही बताया था, आपने वीडियो नहीं देखा होगा, यूपी में जो फॉरम आएंगे वो आपके मिड अगस्त तक आएंगे गाइज, ठीक है, चाहे आपके बीएस नर्सिंग के हो, जेएनएम के हो, एनएम के हो। ओके, अगला कमेंट है प्रीतम सैनी, थैंक यू सर, थैंक यू प्रीतम। अगला कमेंट है कुमार प्रहलाद, सर झारखंड में कब आएंगे, कल वाला वीडियो नहीं देखा आपने, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कल बताया था झारखंड में कब आएंगे, लास्ट अगस्त, ठीक है, वहाँ पर अभी चल रहा है लास्ट अगस्त तक आपके फॉर्म आएंगे, थोड़ा सा एक्टिव रहना है आपको, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म आने के बहुत ज़्यादा चांस है जी, ठीक है। अगला कमेंट है पवन जी का, सर बीएससी नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्या, जी बिल्कुल, अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ है तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उनको ब्रिलियंट स्टूडेंट चाहिए जो कंपटीशन फाइट करके आए, अदरवाइज़ जो नॉर्मल कॉलेज होते हैं ना मिडिल क्लास के, वहाँ पर तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे 12वीं पास की डायरेक्ट पेमेंट लेके चले जाओ, एडमिशन पाओ। बट जो टॉप कॉलेज है गवर्नमेंट में तो कह रहा होता ही एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो टॉप कॉलेज होते हैं ना वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्लियर। हे मुझे का कमेंट है गुजरात में कब आएंगे, तो गुजरात में हमने बताया था मिड अगस्त, क्योंकि ये टाइम ही फॉर्म आने का है जुलाई अगस्त। अगला कमेंट है गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से है महाराष्ट्र में, सो गाइज वैसे तो बहुत सारे हैं इसमें महाराष्ट्र में, और जो डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ तो नेट के थ्रू होता है, फिर भी हम वीडियो बना देंगे, वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पे कॉलेज के ऊपर कि कहाँ पर कितनी सीटें, कौन कौन सा कॉलेज है, ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करना है, बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है, और को भी शेयर किया करो ताकि उनका भी फ्यूचर सिक्योर है। सर हरियाणा में कब आएंगे, डोंट वरी, हरियाणा में आने वाले मिड अगस्त, ठीक है, एक्टिव रहना है हरियाणा वालों को भी। थैंक यू सो मच सर, रामचंद्र जी का कमेंट है, थैंक यू रामचंद्र जी। वर्षा जी का कमेंट है, थैंक यू सर, थैंक यू वर्षा जी। अगला कमेंट है धनसरिया, विच इज गवर्नमेंट कॉलेज इन महाराष्ट्र फ्रॉम, वीडियो मिल जाएगा महाराष्ट्र के ऊपर
क्या सभी स्टेट के ऊपर मिल जाएगा, राजस्थान, MP, UP, बिहार, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन कौन सी कहाँ पर कितनी सीट है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर हम आपको बता देंगे पहले ही कि कौन कौन से कॉलेज है और कहाँ पर कितनी सीट है और कहाँ पर कितनी पीस है, ये भी बताएंगे हम तो, ठीक है। बट आपका सब्सक्राइबर लाइक हमें मिलना चाहिए गाइज, आप जो पूछोगे, जो आप क्वेश्चन करोगे उसका आंसर देने के लिए हम तैयार है, ठीक है। काफ़ी टाइम से हमको वक्त नहीं मिल पा रहा था आपसे बात करने का, तो चलिए आपके सारे कमेंट हम देखते हैं, सारे कमेंट और वीडियो में जवाब भी देते हैं, बट आप क्या है वीडियो पूरा नहीं देखते हो, ठीक है। आपके करियर का मामला, आपके फ्यूचर का मामला है, कम से कम 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो तो पूरा देख लिया करो गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 2-2 घंटे की मूवी तो देख लेते हैं, बट अपने करियर के लिए 10-12 मिनट का वीडियो देखने में जोर आता है उनको, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हनी जी का कमेंट है, हरियाणा के फोरम कब आएंगे, मिड अगस्त, ठीक है। अगला कमेंट है बलजीत, पंजाब के कब आएंगे, हरियाणा और पंजाब लास्ट अगस्त, ठीक है। सर PGI के जो चंडीगढ़ में BS नर्सिंग के एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनसे 1 वीक पहले आ जाएंगे, ठीक है। अगला कमेंट है, मैथमेटिक वाले BS नर्सिंग कर सकते क्या, जी बिल्कुल नहीं, मैथमेटिक्स वाले नहीं कर सकते, क्योंकि BS नर्सिंग वो कर सकता है जिनके पास साइंस बायोलॉजी है। हाँ, मैथमेटिक्स वाले फार्मेसी पैरामेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं गाइज, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, बट BS नर्सिंग नहीं कर सकते मैथमेटिक्स वाले। अगला कमेंट है मोहित जी का, सर UP में फॉर्म कब आएंगे, हमने बताया ना UP में मिड अगस्त तक आपको वेट करना होगा। अतुल जी का कमेंट है, सर UP में कब आएंगे, अगला कमेंट भी UP से ही है। असीमा पटेल का, सर UP में कब आएंगे, तो UP में मिड अगस्त, और वीडियो भी है, वीडियो चैनल पे जाके देखो, स्पेशल वीडियो है आपके लिए UP के ऊपर, राजस्थान के ऊपर, चैनल पे जाके देखो तो सही। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर चैनल पे जाके कैसे देखे, तो नीचे लोगो दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है, नीचे इस प्रकार का लोगो दिख रहा होगा कि किसके फॉरम कब भरेंगे, ठीक है। MKS फॉरम, MKS या फिर सर्च भी कर लेना, फॉरम MKS मिल जाएगा, ये लोगो पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद वीडियो सेक्शन पर आपको जाना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया आपके सामने ओपन है, जहाँ जहाँ पर भी फॉर्म आ चुके हैं उसका वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और UP में कब आएगा, MP में कब आएगा, उसका भी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, सारी इंक्वायरीज़ यहाँ पर मिल जाएगी गाइस, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और देखो स्टूडेंट, ये जो शॉर्ट पेपर है किसी ने सोल्व नहीं किया अभी तक, यहाँ पर व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है, तो ये गलती सबसे बड़ी आप कर रहे हो। फॉरम भरना ही ज़रूरी नहीं है, फॉरम भरने के साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा ना। फॉरम तो सभी भरेंगे, बट तैयारी तो बहुत कम ही करते हैं, तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है। फिर इन वीडियोस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अपलोड किया था ये, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करो, इस वीडियो को देखना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। आ जाते अपने सवाल जवाब पे। ओके गाइज, और UP में कब आएंगे, UP में कब आएंगे बच्चा आपके, मिड अगस्त, गुजरात में बताओ सर, तो गुजरात में लास्ट अगस्त, ठीक है। रिशु जी का कमेंट है, सर क्या 16 साल की एज में BS नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा क्या, नहीं, ठीक है रिशु जी प्रजापत। देखो ऐसा है, यहाँ पर अगर आपको BS नर्सिंग में कोर्स में प्रवेश चाहिए ना, तो आपका 17 वर्ष तो कम्प्लीट होना चाहिए। हाँ, अगर आपके 17 साल में कुछ 2-3 महीने कम रह रहे हो तब भी चल जाता है, अगर आपकी 1 साल कम हो तो फिर दिक्कत आती है, तो 16 साल में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए आपको वेट करना होगा 1 साल। अगला है गणेश्वर का, सर CG में कब आएंगे, कल वीडियो बनाया था आपने देखा नहीं, हमने बताया था कि लास्ट अगस्त, मिड अगस्त, ठीक है। CG के लिए भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। अरविंद जी का कमेंट है, थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद जी। मनोज जी का कमेंट है, थैंक यू मनोज, ठीक है। यशोदा जी का कमेंट है, थैंक यू सर, थैंक यू यशोदा। और अनामिका सिंह का कमेंट है, थैंक यू सर, थैंक यू अनामिका। और पूनम कुमारी, थैंक यू सर, थैंक यू पूनम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओके गाइज, अगला कमेंट है करण जी का, सर हरियाणा में NM के एडमिशन के फॉर्म कब आएंगे। गाइज, आपके BS नर्सिंग के, JNM के, NM के साथ में आएंगे, तो आपको लास्ट अगस्त तक वेट करना होगा। सुहानी जी का कमेंट है, थैंक यू सर, थैंक यू सुहानी जी। विधि शर्मा, सर अनदर स्टेट लेवल के फॉरम कैसे फिल कर सकते, कर सकते राजस्थान में सभी कर सकते, जैसे कि होता है ना BHO में सभी कर सकते, जिमर में सभी कर सकते, होता है
कर सकते हैं, बहुत सारी जगह टर्म एंड कंडीशंस होती है। दीक्षा जी का कमेंट है, दीक्षा वर्मा, सर पीजी में चंडीगढ़ में बीएस नर्सिंग के एडमिट कार्ड कब आएंगे? हमने बोला ना कि आपके एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आ जाएंगे, आपको आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। शिल्पिका का कमेंट है, सर एमपी में कब आएंगे? हमने बताया था, स्पेशल वीडियो भी बनाया था एमपी में अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। अभी जुलाई है, तो जुलाई में क्या चल रहा है वहाँ? अभी काउंसलिंग चल रही है 2020 वालों की, तो जुलाई में तो नहीं आएंगे। और मिड अगस्त तक भी क्या होगा, 2020 वालों की गवर्नमेंट काउंसलिंग चलेगी, तो मिड अगस्त तक भी नहीं आएगा, चांस है जो लास्ट अगस्त तक आने के, इससे पहले तो नहीं आएंगे मध्य प्रदेश में, तो श्योर है। तो आपको लास्ट अगस्त तक वेट करना पड़ेगा, हो सके सितंबर तक भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में 2020 का मैटर चल रहा है काउंसलिंग का, ठीक है। तो वेट करना होगा आपको 1-1.5 महीने, ठीक है। रीना जी का कमेंट है, सर सीजी में कब तक आएंगे बीएस नर्सिंग के फॉर्म? अभी बताया ना, सीजी में आने वाले, छत्तीसगढ़ के लिए वीडियो भी अवेलेबल है, चैनल पर जाके देख सकते हो, मिड अगस्त तक पूरे चांस है जे। कृष्णा जी का कमेंट है, सर हरियाणा में बीएस नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे? मिड अगस्त तक आएंगे, ओके। और हाँ, नीट का फॉर्म अवश्य भर देना, हम आपको बोल रहे हैं नीट का फॉर्म अवश्य भर देना, फिर बोलोगे सर आपने बोला नहीं, नीट का फॉर्म अवश्य भर देना, गलती मत करना ये वाली, ये भूल कभी मत करना। नीट का फॉर्म भरने से आपको बहुत सारा बेनिफिट है, नीट का फॉर्म भरने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। नीट का फॉर्म भरने से एक तो ये है कि इंडिया की टॉप कॉलेजों में नर्सिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और आपके खुद स्टेट में भी क्या पता नीट के थ्रू ही हो, अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो एक तो आप सेफ और सिक्योर हो अगर बाद में भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो। और नीट में एक और फ़ायदा है कि आपका पेपर अगर अच्छा बैठ जाता है तो आपके लिए एमबीबीएस की सीट भी तैयार है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हो जाता है काफ़ी बार स्टूडेंट किसी और के लिए देते हैं और एमबीबीएस में हो जाता है, क्योंकि उनका पेपर अच्छा हो जाता है उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ये और बेनिफिट है। और आप में से बहुत सारे को होगा देखना, श्योर होगा, क्योंकि बहुत सारी बार हो चुका है, हमको तो पता है ना, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही देने जाते हैं और उनका एमबीबीएस में हो जाता है, ठीक है। सुजात जी का कमेंट है, सर गवर्नमेंट वाला नर्सिंग फॉरम झारखंड में कब आएगा? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट और प्राइवेट जैसे फॉरम आएंगे ना, हम आपको बताएंगे, तभी तो इस चैनल का नाम फॉरम है, कैसे पूरे फॉरम की जानकारी आपको देगा, ठीक है। तो झारखंड में कब आएंगे, कल ही वीडियो बनाया था आपने देखा नहीं, वो देख लेना जाके, फिर बता दें मिड अगस्त, ठीक है। विधि शर्मा का कमेंट है, सर ना तो आपने एप्लीकेशन फॉरम की फीस बताई, तो गाइज इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बता रखा है ना, वहाँ हम सेंड कर देते पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल का नाम हम आपको दिखा देते हैं। हमने आपसे पहले बोल रखा है कि सारी फुल डिटेल आपको यहाँ पर सेंड कर दी जाएगी, ये है DRM के ब्रो, ठीक है, ये सर्च कर लेना, ये लोगो ये नाम आपको दिख जाएगा, बस इसको फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट है DRM के ब्रो, ठीक है। तो यहाँ पर फीस की जानकारी क्या, आपको सीटों की जानकारी, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ओके गाइज। अगला कमेंट है आकांक्षा जी का, सर छत्तीसगढ़ में फॉरम कब आएंगे? छत्तीसगढ़ में मिड अगस्त, ठीक है। पूनम जी का कमेंट है, बिहार में कब आएंगे? बिहार वालों के लिए कल बताया था मैंने, ठीक है, आने वाले इनके तो लास्ट जुलाई तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आ जाएंगे, डोंट वरी, यहाँ पर जल्दी आएंगे फॉर्म। चेतन जी का कमेंट है, सर महाराष्ट्र में कब आएंगे? यहाँ पर नेट के थ्रू आपको भरना होगा, नेट का फॉर्म भर दो, और जो कमेंट आ रहे हैं महाराष्ट्र से तो उनसे यही कहना है आप कॉलेज का नाम बताओ, क्योंकि बहुत सारी महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, बम्बई महाराष्ट्र का नाम चलता है, तो आपको कॉलेज का नाम बताना है। वैसे तो यहाँ पर नेट के थ्रू होता है, बट आप कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वो हमको कमेंट करके बताना है गाइज आपको। INC के फॉरम कब आएंगे? इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, ये तो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग तो एक वो है जो आपका रजिस्ट्रेशन करती है, ठीक है। प्रीति जी का कमेंट है, छत्तीसगढ़ में नर्सिंग के फॉरम कब आएंगे? मिड अगस्त। शिवानी का कमेंट है, सर यूपी में गवर्नमेंट के फॉरम के फीस कितनी लगती है? तो यहाँ पर कैटेगरी इन्होंने बोला नहीं है कौन सी कैटेगरी के लिए पूछा है, तो शिवानी जी से यही कहना है कि कैटेगरी कौन सी के लिए आपने पूछा है, ठीक है, और अलग से वीडियो भी बना देंगे जहाँ पर कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, क्योंकि सब कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग फीस है, ठीक है। दीपिका काजूर, सर सीजी में बीएस नर्सिंग का फॉरम कब आएगा? सीजी में मिड अगस्त, ठीक है, वैसे रिप्लाई हमने कर दिया था। ज्योति सिंह, सर बीएस नर्सिंग का यूजी में एमपी में फॉरम कब आएगा? एमपी में तो बहुत लास्ट में आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आप मान सकते हो ज्योति जी, ठीक है। तो इतना तो वेट आपको करना ही होगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, काउंसलिंग चल रही है 2020 वालों की। कौशल्या जी का कमेंट है, सर हिमाचल प्रदेश में, बताया तो था आपको कल वाला वीडियो में,
मिड अगस्त। ठीक है, अगला कमेंट कुशी जी का है, सर उत्तराखंड में फॉर्म कब आएंगे बी एस नरसिंह के? मिड अगस्त। ठीक है, ज़्यादातर अगस्त में आएंगे आपके फॉर्म। अगला कमेंट श्री राम का, कौन कौन से कॉलेज है? तो कॉलेजों के ऊपर वीडियो बना देंगे हम, बट आप जितना हो सके लाइक करो, जितना लाइक आएगा उतना ही जल्दी हम आपको तुरंत वीडियो बना के देंगे कितनी पीस लगने वाली है कहाँ पर। ठीक है ना, दीपा सिंह यूपी में एनएम के फॉर्म कब आएंगे? एक टाइम पे आएंगे। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी ऐसा ही होता है कि जो बी एस नरसिंह के फॉर्म आते उसके 7 दिन या फिर 8 दिन बाद ही जे एन एम एन एम किया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी यूपी में भी ऐसा ही है, जैसे आपके फॉर्म आएंगे ना बी एस नरसिंह के, उसी के कुछ दिनों बाद 5-7 दिन बाद ही एन एम जे एन एम के फॉर्म आ जाएंगे। हाँ, अगला कमेंट रोशन जी का, बी एस नरसिंह एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे? तो इन्होंने ऐसा बोला नहीं कौन से स्टेट में। ठीक है, तो स्टेट प्लीज़ कमेंट कीजिए रोशन जी।